हेलो और नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डायबिटीज़ का इलाज नेचुरोपैथी में किस प्रकार से किया जाता है और क्या उसका उपचार है। इसके बारे में आज आपको मैं विशिष्ट फल के बारे में बताने वाला हूँ जिसका सेवन करने मात्र से आपकी डायबिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके सामने नेचुरोपैथी से जुड़े जितने भी उपचार हैं मैं आपके सामने लेते आऊँगा। ठीक है दोस्तों इसका उपचार इस प्रकार है। दोस्तों अगर मैं अतिशयोक्ति ना कहा जाए तो दोस्तों ये जो जामुन का फल जो है ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। और दोस्तों ये हमारा एक पारंपरिक फल है जिसका हम उपयोग हमेशा से डायबिटीज़ के रोग में किया करते हैं। और इसमें ऐसी खासियत है कि मधुमेह के रोग में जामुन के हर एक चीज़ गुठली से लेकर छाल से लेकर उसके गूदे तक हर एक चीज़ का अपना अपना प्रयोग है और हर एक जो जामुन का कण है उसका उपयोग जो है वो डायबिटीज़ की में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। दोस्तों ये जो जामुन का गुदा या नॉर्मली आप जो सीजन के हिसाब से जो आप जामुन खाते हैं उसका तो फ़ायदा आपको प्राप्त होता ही है, साथ साथ में जो जामुन का बीज होता है जिसको हम लोग फेंक देते हैं उसको फेंकना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए, उसके बीज को इकट्ठा कर लेना चाहिए, बीज को थोड़ा सुखा के और उसको पीस के उसका चूर्ण बना कर रख लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो जामुन का बीज होता है उसमें जंबोलिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो शरीर में जो हमारे जो स्टार्च होता है जब भोजन करते हैं स्टार्च निकलता है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट होने से वो रोकता है। हमारे मूत्र में जो भी शुगर बनते हैं वो बनना बंद हो जाता है, इसीलिए हमें उसके बीज को भी नहीं फेंकना, तो सुखा कर उसको पीस कर पानी के साथ में उसे दिन में 2 या 3 बार लेना चाहिए। अब मात्रा कितनी होनी चाहिए उसकी, मात्र 3 ग्राम वो जो बीज का पाउडर है उसको लेकर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो है एक नेचुरोपैथी उपाय है जिसके द्वारा आप अपने मधुमेह के रोग को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। और खान पान में भी हमें बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए अक्सर होता है कि डायबिटीज़ के मरीजों को भूख बहुत तेज़ लगती है, जब भूख बहुत लगती है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको खीरा खाना चाहिए, मतलब उसे खीरा खाना चाहिए। ज़्यादा खीरा खाएंगे तो उसे भूख आपको कम लगेगी। दूसरी बात है प्यास भी बहुत लगती है, जो ज़्यादा प्यास लगे तो आपको क्या करना चाहिए कि नींबू पानी आपको पीना चाहिए। मैं आपको एक और एडिशनल उपाय बता देता हूँ, आपको क्या करना है कि जो गाजर का जूस होता है उसमें पालक का जूस मिला के पियेंगे तो भी आपको ये डायबिटीज़ के रोग में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों ये कुछ मैंने उपाय आपको बताए। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।